शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन, कुंडली मिलन। सच तो ये है कि जिस लड़की से यश का विवाह होगा 90 दिन में वो लड़की मर जाएगी। नहीं। अंजलि का विवाह यश से करवा के तुम लोगों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। वो मर जाएगी सुबोध, अंजलि मर जाएगी। ये नहीं हो सकता, कह दीजिए कि ये गलत है। हमें कौन धोखा देगा और क्यों? ताऊजी, 90 दिन वाली शादी आपने तो बताई थी ना, बीच में ये मरने वाली क्या बात आ गई? अलका, तुम चुप क्यों? तुमने कहा था ना कि ताऊजी ने कहा है कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी। ये कुछ नहीं बोलेगी सुबोध, क्योंकि सब कुछ इसी का किया धरा है। तुम्हारी ही नहीं, मेरी और मुकेश की पत्नी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। इन तीनों ने मिलकर के उस भोली भाली लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया। हमने बंद कमरे में इन तीनों को यश की कुंडली का सच बताया था और इन्होंने उसी सच को अपने हिसाब से घुमा फिरा करके तुम सबके सामने रख दिया। नहीं, नहीं बड़े बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही बाबूजी अंजलि को डांटती थी, पटकारती थी, लेकिन वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ है किशोरी। इन तीनों महिलाओं ने मिलकर के जानबूझकर अंजलि को मौत के मुंह में धकेला है। अंजलि, जल्दी चलो, हमें निकलना भी है। कब? जाना जरूरी है क्या? हमें बहुत सारे काम है। हाँ, बहुत जरूरी है, मैंने कह दिया ना, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिचा क्यों नहीं आ रही हमारे साथ? रिचा चलना। अंजलि, मुझे पापा का घर जाकर बहुत जरूरी काम करना है, तू यश के साथ चली जा प्लीज। जब तक तू लौटेगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। अब चलें प्लीज। किशोर ने जो किया सो किया, पर मैंने क्या किया? इन्हें हाथों से अंजलि का कन्यादान किया, किसको पता था कि मैं शादी के मंडप में नहीं जलती हुई चिता पर बिता रहा हूं? किसको पता था कि शादी का जोड़ा अंजलि के लिए कफन बन जाएगा? आज अंजलि का बर्थडे है और मैं आज अंजलि के इस बर्थडे को यादगार बनाना चाहती, इसीलिए मैंने उसे यश के साथ बाहर भेजा है। जब तक वो लौटेगी तब तक सजावट की सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। मैंने डेकोरेटर्स को भी बुला लिया है और केक का ऑर्डर भी दे दिया है। और हाँ, ये उसके लिए सरप्राइज होगा, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है रिचा, हमें तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि अंजलि की खुशी के बारे में भी कोई सोचता है। हाँ हाँ, हमें भी बता रिचा, हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं। इतनी छोटी सी थी ताऊजी, जब वो मेरे घर आई थी, लालाजी लालाजी कहकर मेरे पीछे दौड़ती रहती थी, मेरे घर की रौनक दुगनी हो गई थी। रिचा और अंजलि एक दूसरे से इतनी जुड़ गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो सगी बहनें नहीं। और अंजलि,
अंजलि ने तो सगी बहन का फर्ज भी निभा दिया। किसे पता था कि वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुद की जिंदगी जो है वो कुर्बान कर रही है। इस अलका ने कभी उसे मन से नहीं अपनाया, कभी कभी प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोले, लेकिन अंजलि हमेशा मुस्कुराकर बाबूजी कहते थे, पूरे घर की जिम्मेदारियों को अपने मासूम कंधे पे उठाए रखा। संभालो अपने आप को। अलका ने उसे डांटा फटकारा, उसके हाथ जला दिए, उसे थप्पड़ मारा, पर इसका मन नहीं भरा। इसने जान बूझ कर मेरी बच्ची को आप मरने के लिए छोड़ दिया था। ये मां नहीं है, ये अत्याचारी नहीं है, इसने मेरी बेटी की हत्या की साजिश रची है। छोड़ो, वाओ बलून्स, ये सब किस लिए? वाओ, बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं मामा जी आप। ये लीजिए बलून्स फुलाइए। ये लो कुलकन, तुम्हारे लिए भी। तुम भी बलून फुलाओ। रिचा दीदी, मैं सबसे तेज फुलाऊंगा। चुपचाप बलून फुला, बाद में सब बताती हूँ। देखिए, कोई इसकी बोली सूरत को देखकर बोल सकता है कि इसके पीछे एक राक्षसी छुपी है? ये जानते हुए कि ये मेरी अंजलि की मौत की जिम्मेदार है, तो मैं इसका चेहरा कैसे देख सकता हूँ? लोग गुनाह करते हैं, लेकिन इसने पाप किया है। बस करो, सुमोत। आज तो अंजलि का जन्मदिन है, आज के दिन आप लोग उसकी मौत की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बच्ची ने तो अभी तक जिंदगी का कोई सुख भी नहीं देखा। नहीं, गोपाल जी उसके साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। गोपाल ने तो अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, उतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया था। उनमें तो जान बसती है अंजलि की। तो क्या गोपाल जी अंजलि को मरने देंगे? नहीं, गोपाल जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे अंजलि को, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी अंजलि को लाला जी, कुछ नहीं होगा। होश में आ, पता है ना, ताऊ जी की बात आज तक गलत नहीं हुई है। एक महीने से कम का समय है हमारी अंजलि के पास। तुम्हारी बहू जी ने ना अंजलि की जिंदगी ही नहीं, उसके सारे सपने भी चीर दिए। इतना बड़ा पाप किया है ना इसने। देखो, एक शिकर तक नहीं है उसके चेहरे पर, का नहीं,
लोहे का कलेजा है इसका किशोरी, लोहे का कलेजा। यश जी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? घर के लिए राशन पानी लेने, कपड़ों की दुकान में कपड़े ही लेने आएंगे ना। अंजलि, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं और ऋचा तुम्हें कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, इसलिए तुम फटाफट कुछ पसंद कर लो, वरना मेरी पसंद का लेना पड़ेगा। लेकिन हम ठीक है, फिर मैं ही पसंद कर लेता हूं। ये कैसा है, चलेगा ना? नहीं नहीं यश जी, हम ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं। तभी तो कह रहा हूं, फटाफट खुद ही पसंद कर लो। मैडम, एक बहुत ही सुंदर साड़ी है हमारे पास, वो खास आपके लिए बनी है, आप कहें तो दिखा दें। यश जी, अब कुछ दिनों में तो हम वापस अपने घर चले ही जाएंगे, वहां पर हम ये साड़ियां थोड़ी पहनेंगे, क्या हम अपने लिए सलवार सूट ले सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा प्रचंड दोष है जिसके कारण जो भी लड़की तुमसे विवाह करेगी 90 दिन में उस लड़की की मृत्यु निश्चित है। भैया, बहुत अच्छे वाले सलवार सूट दिखाइए। जी सर। 90 दिन पूरे होने में सिर्फ 27 दिन बचे, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? सुबोध, समस्या बहुत ही गंभीर है और अब केवल 27 दिन बचे हैं, क्योंकि 90 दिन के अंदर उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यश जी, देखिए ना, बताइए ना कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। अंजलि, दोनों ही बहुत अच्छे, एक काम करो, दोनों ही ले लो। नहीं नहीं, दोनों का क्या करेंगे हम, एक ही काफी है। अंजलि, एक मेरी तरफ से, एक ऋचा की तरफ से, क्लियर? अरे भैया, आप ये दोनों पैक कर दीजिए। आपने दाम तो बताया नहीं इनका, कितने के हैं? मैडम, ये 2000 का है और ये वाला 2500 का है। नहीं नहीं भैया, ये बहुत महंगा है, आप थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, 4500 बहुत ज्यादा है, आप एक काम कीजिए, आप ये दोनों सूट 2800 में दे दीजिए। हाँ अंजलि, तुम तो बार्गेनिंग में मास्टर हो। हाँ। लेकिन एक काम करो, इसमें से पहन के तो देखो, साइज भी चेक हो जाएगा। हाँ। भैया, हमारा ना कपड़ों का ही काम है, गोपाल जी की पोशाकें बनाते हैं हम, आप जरा ठीक ठाक दाम लगाइए ना, वरना हम नहीं ले रहे। चलिए 50 रुपए और दिए, पूरे 2850 रुपए। हाँ मैडम, इतना मार्जिन थोड़ी ना होता। हमें पता है कितना मार्जिन होता है, आप देखना एक दिन हम भी बहुत बड़ी डिजाइनर बनेंगे, फिर जब आप हमसे अपनी दुकान के लिए कपड़े लेने आओगे ना, तो आपको भी डिस्काउंट देंगे। हाँ आप टेंशन मत लीजिए जीजू, ऋचा के लिए हमारे शोरूम में सारे कपड़े फ्री होंगे और हमारे जीजू के लिए 50% डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट चल जाएगा ना हमारे होने वाले जीजू के लिए। बेचारी अंजलि, उसने तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर रखी है और अपने प्लान में
वो हम सबको शामिल करना नहीं भूली। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि लगता है हमने कुछ ज्यादा ही मोल भाव कर लिया। बेचारे यश जी शर्मिंदा होकर यहाँ से दूर हट गए। भैया आप एक मिनट में हम वापस आते हैं। सॉरी 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 यश जी, अब हम और बार्गेनिंग नहीं करेंगे। बल्कि वो दुकान वाले भैया जितने पैसे मांग रहे हैं ना, अगर आपको उससे ज्यादा देने तो आप ज्यादा भी दे दीजिए। लेकिन ऐसे नाराज होकर दुकान से मत निकलिए ना। और वैसे भी आज तो आपका नाराज होना बनता ही नहीं है, आज तो हमारा हैप्पी बर्थडे है ना। यश जी जी, क्या हो गया? आप हमसे कोई गलती हो गई? ये लीजिए, हम कान पकड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं और ये भी नहीं पूछेंगे कि हमारी गलती क्या है। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अंजलि, गलती तो बस हमारी है। हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी के सारे प्लान्स खराब हो गए। तुम अपना शोरूम खोलना चाहती थी, उसमें भी रुकावट आ गई। I'm very sorry. अरे आप भी ना, ये जी आप तो बिना मतलब के परेशान हो रहे हैं। हमारे कोई प्लान्स खराब नहीं हुए हैं। और फिर ये तो बस 90 दिन का कोमा है, कोई फुल स्टॉप थोड़ी ना है। क्या हमें कोई मौका ही नहीं मिलेगा फिर? आप सोचिए जरा, 90 दिन खत्म होने में बस कुछ ही दिन बच गए। इसके बाद हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और हाँ, अगर हमारे सपनों के सफर में हमें आपकी और ऋचा की मदद चाहिए होगी तो हम फट से आपको फोन भी घुमाएंगे। चलेगा ना? अब जल्दी से चले, ऋचा हमारा इंतजार कर रही होगी। आइए आइए आइए। अच्छा, बस हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से। सारी तैयारी होगी घर पे? हाँ यश, अंजलि को सरप्राइज देने के लिए सब तैयार है।
बस तुम जल्दी से उसे यहाँ लेकर आ जाओ। बस आ ही रहे। चलो बैठो अंजलि। जी। अंजलि क्या हुआ, बैठो ना। वो क्या है ना यश जी, हम हमारे और ऋचा के जन्मदिन पर मंदिर को फूलों से सजाते हैं हर साल। आप अगर दो मिनट और। दो मिनट अंजलि, मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट भी रुक सकता हूँ। तुम्हें जितने फूल चाहिए ले लो। हम अभी लेकर आते हैं। मैं सभी लाइट्स बंद कर दूंगी। अंजलि के अंदर आते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। फिर हम सभी को एक साथ जोर से बोलना है सरप्राइज। ओके, समझ गए सभी लोग? निचा दीदी, मैं पार्टी पॉपर में बोलूंगा। आपकी मन की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन अभी किसी भी तरह हमें अपना दुख छुपाकर अंजलि के इस पोते को खास बनाना। लगता है अंजलि आ गई। सभी लोग अपनी जगह छुप जाइए, जल्दी जल्दी। Happy birthday to me. एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।